नमस्कार, बिंद भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, नाम रखा गया उसके नाम से जिसे आदिवासियों की आखिरी रानी बताया गया। उसी रानी की जाति और धर्म पर कांग्रेस के मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद राजवड़ी पटेल ने सवाल उठा दिए हैं। राजवड़ी ने कहा कि रानी कमलापति की शादी जब मुस्लिम राजा से हुई तो वहाँ कैसे हिंदू हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पहले यह बताना चाहिए कि कमलापति प्योर हिंदू है या फिर प्योर मुसलमान। भाजपा का चरित्र, सोच और इरादा भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि रीवा के सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद राजवाणी पटेल ने रानी कमलापति की जाति धर्म पर सवाल उठा, भाजपा सरकार के नामकरण पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। राजवाणी ने कहा कि भाजपा की नीयत ठीक नहीं है। बिरसा मुंडा को टांट्या भील की कवि जयंती भाजपा ने नहीं मनाई थी, अब आदिवासियों के नाम पर वोट के लिए राजनीति कर रही है। जिस रानी को आदिवासी की आखिरी रानी कहा गया, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, उसी रानी पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने सवाल खड़े किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजमणि ने कहा कि पहले तो यहाँ पीएम मोदी स्पष्ट करें कि रानी कमलापति प्योर हिंदू थी या फिर मुसलमान। जब मुसलमान से आदिवासी कमलापति ने शादी कर ली तो कहाँ आदिवासी रानी रह गई। राजमणि यही नहीं रुके, आगे उन्होंने रानी मुस्लिम दोस्त का भी जिक्र किया है। राजमणि ने कहा कि रानी कमलापति ने पहले मुसलमान नायक को दोस्त बनाया और फिर जब लव अफेयर हो गया तो रानी कमलापति ने जल समाधि ले ली थी। भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति वोट के लिए कर रही है, इनकी नियति में खोट है। कभी मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर। दरअसल भाजपा ने जो वादे जनता से किए उसे पूरा नहीं कर पाई, उन लोगों को गुमराह कर रही है। नहीं, वो मनाना हमारा चरित्र क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा इरादा क्या है। अगर हमारा इरादा सही है तो कोई भी योजना, कोई नीति माने सही हो सकती है। और सही नीति, अच्छा काम भी अगर हमारा इरादा सही नहीं है तो वो अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। आज मोदी जी आदिवासियों के वो मना रहे हैं। इसके पहले मैं पूछना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा टंटैया भील, क्या इनका कभी उन्होंने शताब्दी मनाई, कभी क्या उनका जयंती मनाई? नहीं मनाया। और जनता को गुमराह करने के लिए अभी एक स्टेशन का नाम बदल दिया कि ये माने आदिवासी अंतिम रानी के नाम से कर दिया। क्या नाम है उसका भोपाल का? है? रानी कमलापति। अब ये सामान्य आदमी तो जानता नहीं रानी कमलापति कौन थी। वो आदिवासी थी, उसकी शादी कहाँ हुई? मुसलमान के साथ में हुई। अब वो मुसलमान है कि हिंदू है, प्योर हिंदू है कि प्योर मुसलमान है, ये मोदी जी से पूछिए। बाकी तो वहाँ समाज को बांटने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मुसलमान से शादी किया और वो राजा थे। राजा का चरित्र जो होता है आप सब जानते हैं, राजा महाराजाओं ने ही जो है ज़्यादातर माने देश के साथ में क्या अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन वो उसका माने जो दोस्ती थी, एक मुसलमान ही जो नायक था उसको दोस्ती किया कि माने हमारे साथ में आक्रमण करना है। और जब उसका लव अफेयर सोने लगा तब फिर उसके बाद उसने जल समाधि ली। अब कौन सी आदिवासी है, कौन से आदिवासी की इतिहास बनाना चाहते हो? तो ये तो केवल वोट के लिए शब्द ढूंढते हैं, नाम परिवर्तन करते हैं, इतिहास बदलते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आपको क्या लगता है कि रानी कमलापति मुस्लिम थी? हैं, नेम साथे समाज बताए कि क्या है, वही बता दें। फिर काहे के लिए मुसलमान की लड़कियों से इनके नेताओं के बच्चों की शादियां हुई हैं? तो एक तरफ माने जो है ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए हिंदू मुसलमान की, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि किसी तरह से हिंदू यूनाइट हो जाए। लेकिन जब वो हिंदू मंदिर के अंदर जाता है तो अछूत हो जाता है, जब वो बड़े घर में जाता तो अछूत हो जाता है, फिर हिंदू कहाँ रह जाता है? तो हिंदू तो माने सब उसमें चरित्र में होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान नाम लेने से नहीं होता है। लेकिन अब उनके पास कोई ऐसा वादा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया हो और उसको पूरा किया हो।
आज भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है कि जो हमने देश की जनता के सामने वादा किया है उन वादों को लेकर के हम कहीं जनता के बीच में जाएं कि हमने ये पूरा किया है, हमें वोट चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र खत्म हो गया है। इस वजह से केवल लगी है कि किस तरह से समाज में एक विग्रह की भावना हो जाए, हिंदू मुसलमान की भावना हो जाए और उस आधार पर हमें वोट मिल जाए, केवल ये करने में लगी हुई। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।